तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर। तो दोस्तों यार, मैं कुछ त्रिवेणी की पतंगे लेकर आया था, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। तो भाई ये देखिए, ये रही पतंगे। और मैं 40 पतंगे लेकर आया था, जिसमें से मैंने कुछ उड़ा दी, तो अभी भी कम से कम 35 या 30 पतंगे अभी भी बची हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोग को दिखा देता हूँ। और यार काफ़ी पसंद है मुझे त्रिवेणी पेपर की पतंगे, क्योंकि पेपर काफ़ी लाइट होता है यार। और मैं दिखाऊं तो इसमें ब्राउन है और नीली पतंगे, देखिए नीली है और ब्राउन, दो ही कलर की पतंगे हैं। और एक दो चौक मंगोट पतंगे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैं कितने की लाया हूँ पतंग और कहाँ से मैं लेकर आया हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए तो मैं फिर आपको पतंग दिखाता हूँ। पतंग काफ़ी बढ़िया है, तो यही वाली उठा लेता हूँ मैं। ये देखिए भाई, ब्राउन कलर की पतंग है। और त्रिवेणी का जो पेपर होता है काफ़ी लाइट होता है, और कलर भी इसमें बहुत फेड कलर आते हैं, मतलब बहुत लाइट कलर आते हैं। देखिए ब्राउन है लेकिन काफ़ी लाइट है। पतंग काफ़ी बढ़िया है भाई, और हल्का सा आपको झोल दिखेगा। तो अभी मैं सुबह के टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो हल्की सी नमी नमी है मौसम में, तो इस चक्कर में ये आपको दिख रहा है, वरना ये जब सही हो जाएगा दिन में तो हवा चल रही है। तो यार पतंग काफ़ी बढ़िया है, सॉलिड पतंग है एकदम। ये देखिए, और काम भी अच्छा खासा करा गया पतंग में, आप थड्डे में देख सकते हैं। अच्छा तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये पतंग मैं कहाँ से लाया हूँ। तो भाई ये पतंग मैंने किसी से बनवाई है, क्योंकि आपको बरेली में बहुत कम ही लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको त्रिवेणी की पतंग दें। तो भाई ये पतंग मैंने बनवाई है किसी से। तो और जो पेपर जिनसे मैंने पतंगें बनाई हैं, वो जो पेपर लेकर आए थे वो लाए थे मास्टर जी की दुकान में। त्रिवेणी पेपर सिर्फ मास्टर जी की दुकान में आपको मिलेगा। तो मैंने किसी से पतंग बनवाई है, तो अगर आपको पतंगें बनवानी है तो यार आपको पेपर तो लाना पड़ेगा, वो आपको सिर्फ मास्टर जी की दुकान में मिल सकता है। और वरना बरेल में अब बहुत कम ही कारीगर हैं, मुझे तो पता भी नहीं है कि कोई बनाता भी है नहीं बनाता त्रिवेणी की। तो यही है। और पतंग मुझे 10 रुपये की पड़ी है यार, काफ़ी सही पतंग पड़ गई, अद्धी है, फुल साइज़ की अद्धी। और ये देखिए मैं नीली पतंग लाया हूँ, उसमें नीली में ये भी काफ़ी बढ़िया जानदार पतंग है सारी। तो दोस्तों यार, ये मैंने पतंगे लड़ाई भी हैं, और बहुत बढ़िया लड़ रही हैं पतंगे, और आसमान में जब जा रही हैं यार पतंगे, काफ़ी बढ़िया लग रही हैं देखने में, क्योंकि हल्के कलर की पतंगे हैं और काफ़ी बढ़िया लग रही हैं देखने में भी। तो सही है यार पतंगे तो। अच्छा ये तो हो गई नीली पतंग, और इसमें एक आध चौक मंगोट का भी है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। कहाँ गया, नीचे तो सब वही है, नीली और भूरी पतंग दिखेंगी आपको, मंगोट ये रहा, बीच में चौक है। ये देखिए मंगोटिया पतंग का चौक है, इसे मांगदार भी कहते हैं। तो भाई ये रहा मांगदार का चौक, ये देखिए काफ़ी बढ़िया है ये भी पतंग, और ये भी काफ़ी जानदार है, जानदार पतंग है ये भी। तो ये देखिए, ये भी सही लग रही है पतंग। और दिखाता हूँ आपको, तो एक ये वाला चौक मिलेगा, मतलब उसमें जो मांग थी वो नीली की पड़ी थी, इसमें जो मांग है वो भूरी की पड़ी है, बस इन्होंने चेंज कर दिया मांग में पतंग। ये भी सही है। तो भाई यही रही आज की वीडियो। तो मैंने सोचा कि मैं पतंगे लेकर आया था, मैंने सोचा आपको दिखा दूं। तो अगर आप लोग को भी पतंगे ऐसी बनवानी है, तो यार आपको कागज़ मिल सकता है मास्टर जी की दुकान में। पतंग का मुझे पता नहीं कि कोई बनाता नहीं बनाता, आप फिर बनवा सकते हैं अपने कारीगर से किसी से भी। तो यही थी आज की वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको यही वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने पतंगबाज दोस्तों में, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।